Hello and Namaskara from Karnataka. Before jumping out to the details about our road journey, पहले मैं कर्नाटका के बारे में बताती हूँ. कर्नाटका राज्य की राजधानी बेंगलुरु है, जिसे बेंगलोर के नाम से भी पुकारा और जाना जाता है. कर्नाटका के कई सारे हेरिटेज साइट्स यूनेस्को में रैंक करते हैं. कर्नाटका एक ऐसा राज्य है जहाँ कूर्ग, चिकमंगलुरु, मडिकेरी, नंदी हिल्स जैसे खूबसूरत और कैप्टिवेटिंग हिल स्टेशन के साथ साथ समुद्र तट की खूबसूरती के लिए भी काफ़ी जाना जाता है. सीनिक कोस्टल डेस्टिनेशंस जैसे गोकर्णा, कारवार, मुर्डेश्वर, हुन्नावर, उडुपी, ऐसे कई लोकेशंस मौजूद है कर्नाटका में, और यहाँ आप महीने भर भी घूम ले तब भी दिल नहीं भरेगा. कर्नाटका मेरे लिए मनपसंद राज्यों में से एक है, स्पेशली बेंगलुरु. हर वक्त ट्रेन, बस या फ्लाइट से ट्रैवल करते रहे तो ये बार रोड जर्नी का ऑप्शन हमने चूज़ किया, और इस वीडियो में हमारी रोड जर्नी आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड. हमारा इन टोटल 15 डेज है वेकेशन का, बट मेरे खास दोस्त अश्विन की शादी है बेंगलोर में, सो थॉट ऑफ अटेंडिंग हिज वेडिंग एंड रेस्ट ऑफ द जर्नी, मतलब एक्चुअल ट्रिप वुड स्टार्ट फ्रॉम 11th ऑफ दिसंबर, और आज है 3rd December 2020. सिर्फ सिद्धेश ही ड्राइव करने वाला है, सो नाइट ट्रैवल अवॉइड कर रहे हैं हम. और अगर बाई रोड से आप प्रेफर करते हो तो ऑलमोस्ट 17-18 आवर्स लगते हैं बेंगलोर रीच होने, जो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है. ट्रेन से आपको 24 आवर्स 24 घंटा लगता है, और फ्लाइट से 1.5 या 2 आवर्स में आप रीच हो सकते हो बेंगलोर. बस की भी सर्विस है, और ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर पे आपका टाइमिंग डिपेंड होता है, सो अप्रॉक्सीमेटली 16 से लेकर 19 आवर्स का ही होता है बस का ट्रैवलिंग भी. Hey guys, welcome back to my channel. So this is Ujjaini. I really hope you guys are doing well. And काफ़ी हफ्तों से या दिनों से मैंने अपने चैनल पर कोई वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं. इट इज़ जस्ट बिकॉज हमारा एक तूफ़ानी वाला प्लान हम लोग का चल रहा था. लॉन्ग टूर के लिए हम लोग प्लान कर रहे थे. सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग पहले बेंगलोर जाने वाले हैं. बेंगलोर के बाद ऐसे और 4-5 हम लोग ने लोकेशंस निकाले हैं, विच इज़ इन कर्नाटका इट्सल्फ, जहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं. एंड ये जो टूर है उस चीज़ का चैलेंजिंग टास्क ये है कि वी डिडंट ऑप्ट फॉर एनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम मुंबई. कोरोना का टाइम है तो सबका थोड़ा ऐसा आगे पीछे हेजिटेशन हो रहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्ट करे या नहीं. सो वी केम अप विद दिस सोल्यूशन, एंड हम लोग एज़ यूजुअल हमारी बसंती, हमारी प्यारी नैनो से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं. एंड देर आर इन टोटल ऑफ 4 फ्रेंड्स, जहाँ पे हम लोग नैनो में ट्रैवल कर रहे हैं, एंड और एक मेरा दोस्त है जो बाइक से आ रहा है मुंबई से लेके बैंगलोर. तो वी विल रिकॉर्ड हिज एक्सपीरियंस ऑल्सो. एंड हम लोग का पहला स्टॉप जो है, वी आर प्लानिंग नियर हुबली. मतलब नाइट ट्रैवलिंग जितना हो सके हम लोग उतना अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं. सो वी आर प्लानिंग टू स्टे बैक एट हुबली, एंड बीच में कुछ ऐसे खास ऐसे लोकेशंस वगैरह लगे तो वो भी मैं आपको विजुअल्स में शेयर करते ही जाऊँगी. सो ये जर्नी लॉन्ग डिस्टेंस वाली जर्नी है बाई रोड, तो हम लोग देखते हैं, हमारा एक्सपीरियंस भी हम लोग शेयर करते रहेंगे, सो दैट इट विल बी फॉर श्योर हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो. ये वीडियो में मैं यूजुअली तो मतलब मैं बजट बताती हूँ, बट इस वीडियो पर मैं नहीं बताऊँगी. ओवरऑल हम लोग का जो ट्रिप होने वाला है, ओवरऑल ट्रिप का मैं बजट आपके पास शेयर करूँगी. एक जो चैलेंज मैंने बताया वो था ट्रांसपोर्टेशन का, एंड दूसरा जो चैलेंज है वो है बजट का. तो हम लोग ने बजट सेट किया है ऑलमोस्ट पर हेड के हिसाब से 6000 रुपीज़ हम लोग ने निकाला हुआ है पर हेड. मतलब हम लोग तो बाई कार से हम लोग 4 जन आ रहे हैं, तो 4 जन के हिसाब से ही हम लोग ने निकाला है. जो बाइक से आ रहा है बंदा मेरा दोस्त, उसका हम लोग ने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उसका एक अलग ही एक्सपेंसेस है बाइक का, पेट्रोल का वगैरह. सो हम लोग ने उसको थोड़ा मतलब ऑफ ट्रैक पे रखा है. एंड हमारा जो बजट है 6000 रुपीज़ में, वी हैव प्लान्ड टू एक्सप्लोर बैंगलोर, चिकमंगलोर, जोग फॉल्स का हमारा प्लान है, एंड उसके बाद हम लोग का प्लान है हुन्नावर, मुर्डेश्वर. तो देखते हैं ये जर्नी कैसा रहेगा. सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि मैं सीरीज़ के हिसाब से मैं एक एक अपलोड करते जाऊँगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर ईच एंड एवरी सीरीज़. कुछ तूफानी करते
सो वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम पुणे. हम लोग ने एक छोटा सा ब्रेक लिया था पुणे के तरफ एंड राइट नाउ वी आर एट NH 48, नेशनल हाईवे 48 पे हम लोग प्रेजेंट है. एंड उसके अलावा श्री, जैसे मैंने बताया था, ही वॉज गोइंग टू एकम्पे अस फ्रॉम पुणे, तो वो अभी हमें मिला एंड ही इज़ कमिंग अलॉन्ग विद अस. तो मेरे साथ जो दोस्त लोग आए हैं उनसे मैं इंट्रोड्यूस आपको कराती हूँ. सो दिस इज क्रुणाल, ये स्पेशली जलगांव से आया है एंड इसको तो आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा ही होगा. बिद्य जम्बो एंड दिस इज माय हस्बैंड. बड़ा शांत है ना मेरा हस्बैंड, क्या करे. गूगल मैप्स में आपको तीन रूट मिलेगी बैंगलोर जाने. एक है जो पुणे की तरफ से जाती है सातारा, कोल्हापुर, बेलगांव, हुबली, दावणगेरे, चित्रदुर्गा, तुमकुर और फिर वो बैंगलोर कनेक्ट कराती है. और यही रूट मुंबई से काफ़ी नियर बाय है, विदिन लाइक 1000 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, और 18 आवर्स की जर्नी रहेगी जो हमने ऑप्ट आउट किया है. दूसरा रूट है जो आपको आएगा पुणे, कोल्हापुर, बागलकोट से आपको चित्रदुर्गा कनेक्ट कराएगी, तुमकुर और फिर बैंगलोर. और इसमें आपको 1060 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली आएगी, मतलब 60 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा पहले रूट के कंपैरिजन में, और इसमें 20 घंटे की जर्नी होगी आपकी. तीसरा जो रूट है वो ऑलमोस्ट हैदराबाद, आंध्र प्रदेश टच में आता है, जो लोनावला, बारामती, सोलापुर, बसव कल्याण, अनंतपुर से आपको फिर बैंगलोर कनेक्ट कराती है. और ये काफ़ी एग्जॉस्टिंग, टाइम कंज्यूमिंग और पॉकेट फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है. 1250 किलोमीटर्स का डिस्टेंस और 23 आवर्स की जर्नी होगी इस पर. सो नाउ यू कैन चूज वाइजली. सो इट इज़ डे 2 हमारे कर्नाटका ट्रिप का. सो अभी बैंगलोर के लिए यहाँ से हम जो लोकेशन में ठहरे थे वहाँ से लेके बैंगलोर इट इज शोइंग अराउंड 434 किलोमीटर्स. अभी जो हम लोग होटल में ठहरे थे हुबली स्टेशन के काफ़ी बाजू में ही था एंड इट वॉज रियली वेरी बैड एक्सपीरियंस, वॉज रियली वेरी बैड. मैं उसके बारे में कुछ, मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, इट इज़ जस्ट बिकॉज शूट करने जैसा था ही नहीं वहाँ पे कुछ. दैट इज़ वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज़ अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं, सो चित्रदुर्गा आएगा, उसके बाद में तुमकुर आएगा, देन वी विल रीच टू बैंगलोर. फाइनली बैंगलोर पहुँच जाएंगे हम लोग. सो 434 किलोमीटर्स का जर्नी मैं आपको ये वीडियो पे बताते जाऊँगी आगे. सो इस वीडियो में बने ज़रूर रहेंगे. सो दिस इज लंच टाइम. हम लोग लंच के लिए आके रुके हैं कुछ बजरंग राजस्थान ढाबा करके है. अभी तक के लिए सफ़र बहुत अच्छा था, खूबसूरत रास्ते, ईच एंड एवरी थिंग वॉज गुड एंड हमारे राइडर लोग घूम रहे हैं ऐसे ही बाहर, चेक कर रहे गाड़ी है ठिकाने में या नहीं है. हमारी नैनो तो बड़ी सख्त निकली, बहुत मस्त आई नैनो. और ये हमारे नैनो में जो लगेज कबाड़ खाना बना के रख, ये एक चीज बाकी है.
बैठ के कैसे पहनेगा अभी वो, इतना ऑक्यूपेंसी है। हाँ गाइस, नैनो में नैनो से हम ट्रैवल कर रहे हैं एज यूजुअल। सो हमारी कर्नाटका स्टेट की जर्नी सीरीज में मैं अपलोड करने के साथ साथ एंड ऑफ द सीरीज में हमारे इस ट्रिप का पर्सनल एक्सपीरियंस, बजट का ब्रेकआउट और टाटा नैनो में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के फायदे और एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगी। सो टिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड विल मीट यू गाइस सून।